देखिए, जन मिलन कार्यक्रम हमारा चल रहा है यहाँ पे, और इसमें कोई पब्लिक मीटिंग नहीं है, स्पीचेस नहीं होती है, वन टू वन सबसे बात होती है। अलग अलग वर्ग के लोग आते हैं, अपनी समस्याएं रखते हैं, चाहे वकील हैं, चाहे आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मनरेगा के हैं, मजदूर हैं, या आपके हैंडलूम के वो हैं, वो सब आएंगे अलग अलग वर्ग से, जितने भी सब अलग हैं उनसे अलग अलग बात होगी और आमने सामने बात होगी और वो अपनी समस्याएं बताएंगे, वो समस्याएं हम अब उठाएंगे, उनके लिए उनके हित की लड़ाई लड़ेंगे। ये कार्यक्रम हमारा, और ये कार्यक्रम रोहतक में हो चुका है, ये कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में हो चुका है, ये कार्यक्रम पानीपत में है, अगला कार्यक्रम करनाल में करेंगे। मुख्य रूप से कितनी कैसी समस्याएं आ रही है, लोग क्या समस्याएं लेके आपके पास आ रहे हैं? जिससे बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, कानून व्यवस्था है, ये मुख्य हैं। सर, सिरसा में आज अमित शाह की रैली थी, रैली को लेकर क्या कुछ कहेंगे? अपना अपना काम, अपनी पार्टी की रैली कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। बात तो ये जनतंत्र है, जिसको लोग चाहेंगे वो आ जाएगा, अब चुनाव होंगे 24 में। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया, नजरबंद कर दिया गया रात में। क्यों? कि विरोध ना करे, काले झंडे ना दिखाए और सब कुछ। ये हरियाणा सरकार का जो है वो दर्शाता है कि ये सरकार हिल चुकी है, मतलब अपना विश्वास खो चुकी है लोगों का। बुड्ढे साहब, सीएम साहब जनसंवाद कर रहे हैं, सर आपको जरूरत कैसे आनी पड़ी जब सीएम साहब जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं 9 साल के बाद? मैं तो जब से हम विपक्ष में, जब से कर रहा हूँ विपक्ष आपके समक्ष, या ये कार्यक्रम कर रहे हैं, हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चला हमारा, कितने कार्यक्रम चले पार्टी के। अब तक के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं सरकार के, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार? देखिए, जहाँ तक प्रदेश सरकार के, गठबंधन सरकार के सवाल है, ये सरकार तो विफल सरकार है, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है, इवेंट मैनेजमेंट गवर्नमेंट है। और हरियाणा जो प्रदेश 2014 में हमने प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश और रोजगार देने में और कानून व्यवस्था में जो नंबर एक प्रदेश था पूरे देश में, आज इस चीज़ में नंबर एक है। आज पूरे देश में बेरोजगारी में एक नंबर है, इन्फ्लेशन में नंबर एक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकारी आंकड़े हैं, इन्फ्लेशन में नंबर एक है, अपराध में बहुत मतलब वर्स्ट पोजीशन हो गई है, जो जिनका कानून व्यवस्था जिन प्रदेशों में ख़राब है उनमें टॉप में से ये है, और आपका क्या नाम इसमें महंगाई में नंबर एक है, बेरोजगारी में है, मतलब देश प्रदेश को पछाड़ दिया, जो बहुत आगे कर रहा था प्रदेश, आगे जा रहा था, वो जो पायदान पे था, जो प्रदेश नंबर एक पे था, वो आज अपने पायदान से खिसक चुका है। खिलाड़ियों के बारे में क्या कहना चाहिए? खिलाड़ियों के बारे में, खिलाड़ियों वही मैं कह रहा हूँ, खिलाड़ी, खेल खिलाड़ियों में नंबर एक था हरियाणा। आज खेल खिलाड़ियों का जो अपमान हो रहा है, जो हरियाणा सरकार जो मूक दर्शक बनी बैठी है हमारी बेटियों के साथ, वो तो प्रदेश की, एक प्रदेश की नहीं होती खिलाड़ी, देश के होते हैं, उन्होंने देश का नाम ऊपर किया, देश के लिए इतने मेडल लेकर आए, तो ये आज गंभीर बात है। उनको क्यों, जो जिनको स्टेडियम में होना चाहिए था, जिन खिलाड़ियों को आज एशिया होने वाले हैं स्टेडियम में होने चाहिए थे, वो क्यों मजबूर हुए जंतर मंतर में बैठने के लिए, क्यों वो मजबूर हुए ये सोचने के लिए भी हम गंगा में अपने मेडल पा दें, ये बड़ा गंभीर मामला है, उनको न्याय मिलना चाहिए। सर, साक्षी मलिक ने कहा है कि भाजपा के नेताओं ने धरने पर बैठने की अनुमति मांगी। देखिए, मैं इसमें राजनीति को नहीं करता हूँ, लेकिन ये है कि उनको न्याय मिलना चाहिए, न्याय नहीं मिला, और हरियाणा सरकार मूक दर्शक बनी बैठी, जो इसका रोल होना चाहिए था, जो जिस प्रकार से उनका केस लीड करना चाहिए था, हरियाणा सरकार ने नहीं किया। MSP को लेकर क्या कुछ कहेंगे, जिस तरीके से सरकार कहती है कि लगातार जो है MSP का हम रेट भी देते हैं सेंटर की तरफ से, अभी भी सूरजमुखी पे उन्होंने अगले साल का 350-350 रुपये रेट बढ़ाया है, इसी साल ही नहीं मिल रहा, जिस फसल का MSP रेट तय हो जाए उसमें 52 का क्या मतलब है, MSP दो किसान को, वो तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है,
एमआरपी नहीं है, वो एमएसपी है, बाध्य है सरकार देने के लिए, देना चाहिए सरकार को। सरकार तो जो है किसान की दुर्गति हुई है भाई, लागत तो बढ़ा दी, कहते थे हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, आमदनी तो दुगनी हुई नहीं, लागत दुगनी से भी ज़्यादा कर दी। हमारे समय में ना तो इस पे टैक्स था, खाद पर टैक्स था, फर्टिलाइजर पे, ना कीटनाशक दवाई पे टैक्स था, ना ट्रैक्टर पार्ट्स पे था, और वैट पे डीजल पे वैट 9% के करीब था, अब डीजल पे वैट 18% दुगना, खाद पे टैक्स मतलब जीएसटी 12% से लेकर 28% तक है इन चीज़ों में, जो किसान को चीज़ जो खरीदनी पड़ती है रॉ मटेरियल में, बीज और वो मिलता नहीं, जो खाद भी जो है थाने में लाइन लगा के मिलता है। तो ये परिस्थिति है, तो कहाँ किसान की लागत तो बढ़ा दी, आमदनी घटा दी। सर संगठन की कब तक घोषणा होने की उम्मीद है? संगठन की कब तक घोषणा होने की उम्मीद है? जल्दी होगी, अभी हमारे नए इंचार्ज आए हैं, वो देखेंगे, सबसे बात करेंगे। सर, मीटिंग हुई है? आपका कोई सुझाव हो तो उसको दे देना, उनको दे देना। मीटिंग हुई है प्रदेश में प्रभारी के साथ चंडीगढ़ में, तो किस तरह की मीटिंग? नहीं, प्रभारी के साथ हो रही है, हुई नहीं है, होनी है 24 तारीख को मीटिंग। 24 तारीख को, 24 को आएंगे वो अध्यक्ष जी, बात हुई अध्यक्ष 24 को आएंगे, वैसे वो मिली है, मुलाकात हुए हैं, वो तो बात है, मीटिंग जो है 24 तारीख को। सर आपने घोषणा की थी कि हमारी सरकार बनती है तो बुढ़ापा पेंशन 6000 की जाएगी, हाँ करेंगे, कुछ वायदे हैं? जो वायदा जो हमने 2009 का मैनिफेस्टो उठा के देखो आप, हमारा 2005 का मैनिफेस्टो देखो, जो वायदा किया वो हमने पूरा किया है, तो जो हम बात कही है 6000 पेंशन देंगे तो पेंशन देंगे, ओल्ड ये ओल्ड पेंशन लागू करेंगे कर्मचारियों के लिए, और जो गैस सिलेंडर जो महिलाओं का जो गैस सिलेंडर खरीदते हैं, जो इतना भाव बढ़ा दिया 1150 हो गया, 500 से ज़्यादा उसकी कीमत नहीं होगी, और जो 100 गज के प्लॉट इन्होंने बंद कर दिए गरीब आदमी के लिए, उसको हम चालू करेंगे, फिर स्कीम जो गरीब आदमी की थी, बच्चों की स्कॉलरशिप है वो चालू करेंगे, 300 यूनिट बिजली, हाँ बिजली 300 यूनिट, हाँ 300 यूनिट बिजली का हम जो गरीब आदमी, बाकी मैनिफेस्टो तैयार करेंगे और जब बाद में आ जाएगा। हाँ जी, पंजाब सरकार ने पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणा का हिस्सा देने से मना कर दिया है, आप उस बारे में क्या कहना चाहते हैं? हमारा हिस्सा है, बिल्ला चाहिए, कोई कोई हम थोड़ा ही, हमारा हक है, कोई भीख थोड़ा ही मांगे, हम हक है हमारा। हरियाणा सरकार यूनिवर्सिटी को ग्रांट देने से ग्रांट बंद की जा रही है, वो कहती है कि अपने आप पैसा कमाओ, तो इस फैसले को आप किस रूप में देखते हैं? जब भी तो मैं कह रहा हूँ सरकार को भी, फिर सरकार बता रहा हूँ कि भाई अगर यूनिवर्सिटीज को कह दिया आपने खुद ही करो, तो शिक्षा और स्वास्थ्य दो चीज़ जो मुख्य हैं, जो सरकार की प्रथम जिम्मेवारी बनती है, तो आज ये परिस्थिति कर दी इन्होंने, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, 5000 करीब के लिए स्कूल बंद कर दिए, और अब शिक्षा इतनी महंगी कर दी, अकेले HAU में 1.5 गुना फीस बढ़ा दी, तो इसका मतलब ये है मध्यवर्गीय और गरीब आदमी तो बच्चे पढ़ ही नहीं सकते यूनिवर्सिटी में, मेडिकल का 10 लाख रुपए कर दिया, मेडिकल को अगर 10 लाख साल का कर दिया, कहाँ से कहाँ कौन मध्यवर्गीय लोग का किसका डॉक्टर बनेगा, किसका गरीब का बच्चा डॉक्टर बनेगा? सर अभय चौटाला ने ये कहा था, वो अपना यात्रा पे निकले, कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो कांग्रेस के CM नहीं होंगे लगातार, अगर जो राहुल गांधी से मीटिंग करके उस पर क्या? वो अपनी पार्टी की देखे, उनकी पार्टी कहाँ है। सर साहब बीजेपी 75 बार का नारा देके 40 लाख से उठ गए थे बीजेपी, वो अभय चौटाला जी की जो बात है कि तुहाड़े वास्ते कड़ा प्रसाद बनाया है, है जी, तो सानू की तुहाड़े वास्ते बना तो तुहानू की। सर बीजेपी 75, कांग्रेस के हम अपने आप फैसला करेंगे, कांग्रेस फैसला करेगी, कांग्रेस का फैसला वो नहीं करेंगे। अब मैं कह दूं, मैं अभय चौटाला की फैसला पार्टी का मैं फैसला करूंगा, उसका के बेमायने बात करना। 75 बार का नारा दिया बीजेपी ने, 40 लाख सीमेंट की रहेगी, अभी कांग्रेस क्या नारा दे रही है? कांग्रेस देगी जनहित की सरकार बनाओ, कांग्रेस की सरकार बनाओ, बनेगी। सर महिलाओं के आरक्षण की बात करते हैं, इस बार कितनी पार्टी की सीटें दे रही है महिलाओं, कितने प्रतिशत सीटें देगी? अभी चुनाव तो आने दे, सबको सब चाहे महिला है, यूथ है, सबको अपने माइनॉरिटीज हैं,
बैकवर्ड कास्ट है, सबको मिलेगी। सर्वे करवाया सर कोई पार्टी ने अभी तक? करवा रहे हैं हुड्डा साहब, आपको नहीं बताएंगे, सर्वे पार्टी का इंटरनल है। किससे? पार्टी से? किसी पार्टी से गठबंधन होगा आपका? कांग्रेस खुद में सक्षम है। सर कल्पना चावला मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए काफी टाइम से घोषणा की हुई है बीजेपी ने, लेकिन वहाँ पर भी धरातल पर कुछ नहीं। नहीं, तो नाम ही बदल दिया भाई, कल्पना चावला मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं है वो। वो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज था, बनना चाहिए था उसके नाम से। अब वो यूनिवर्सिटी जो है उसका नाम कुछ और है, उनका शायद यूनिवर्सिटी का नाम दीनदयाल वो रखा है उन्होंने। मेडिकल सर भाजपा जसपा गठबंधन की सरकार चल रही है, लेकिन रैली अलग अलग कर रहे हैं दोनों, क्या लगता है भविष्य में गठबंधन रहेगा या क्या? इस गठबंधन ने जनहित का एक भी फैसला नहीं किया। ये गठबंधन को नीतियों पर आधारित नहीं है, ये गठबंधन स्वार्थ पर आधारित है, स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। जनहित का तो कोई सोच ही नहीं है। सर दुष्यंत चौटाला ये कह रहे हैं कि कहीं भी समस्या हो आंदोलन हरियाणा में करते हैं, हरियाणा में होता सबसे ज़्यादा, रोड जाम करते लोग और कांग्रेस का हाथ बता रहे। जो जन समस्या होगी जहाँ की होगी वहीं करेंगे। अगर MSP नहीं मिलेगा हरियाणा में तो यहाँ के किसान करेंगे या बिहार से आगे यहाँ किसान करेंगे? पंजाब में इससे कम मिल रहा है ना सर? तो पंजाब में भी करेंगे, पंजाब का किसान भी करेगा। दिल्ली चंडीगढ़ में काफी नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, पहले भी हुए हैं, तो क्या सर कोई बड़ा MLA JJP का भी हेडलाइन? आज भी होंगे और फिर भी होंगे निरंतर, क्योंकि एक लोग जो है मन बना चुके हैं कि 2024 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, तो इस वास्ते लोग कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। सर हमारा कुड़बा बढ़ रहा है, बढ़ो। कोई मौजूदा विधायक मंत्री है सर? कोई किसी से मौजूदा विधायक मंत्री कोई पार्टी में शामिल होता है? क्या क्या कोई मौजूदा दूसरी पार्टी का जो शामिल होना चाहता हूँ आपके? चलो ये जो बातें हैं आपको बतानी जरूरी नहीं है, ठीक है सर? विधानसभा और लोकसभा दोनों इकट्ठे हो सकते हैं? राजनीति में कुछ भी हो सकता है भाई। तो आपकी पार्टी तैयार है दोनों? हम तो तैयार हैं, इकट्ठे करो इकट्ठे कर लो, अलग अलग करो अलग अलग कर लो, दोनों चुनाव के लिए तैयार हैं। सर निगम के चुनाव पार्टी सिंपल पे लड़ने जा रही है, मेयर के या निगम के? निगम के तो लड़ते, कॉर्पोरेशन के चुनाव सिंबल पे लड़ेंगे। हाँ पहले भी फैसला है पार्टी का कि जो जहाँ तक निगम का सवाल है, कॉरपोरेशन का सवाल है, वो सिंबल पे लड़े। सोनीपत में लड़े थे ना मेयर का, मेयर बना हुआ है हमारा सिंबल, सिंबल पड़े थे। हाँ पार्षद भी हम सोनीपत में मेयर जो कॉरपोरेशन का पार्षद भी लड़े, पार्षद भी मेयर का भी जो है चुनाव सिंबल पे लड़ेंगे। सर मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव है, उसको लेकर क्या कुछ जिम्मेदारियां दी गई आप लोगों को? कांग्रेस की सरकार बनेगी, बनने जा रही है वहाँ मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी। हरियाणा में सर बीजेपी के बड़े बड़े नेता केंद्र से आ रहे हैं, अमित शाह, अनुराग ठाकुर, क्या लगता है यहाँ कोई डर है उसको बीजेपी को हरियाणा के अंदर? तो उनसे पूछो आपको क्या है? तो उनसे पूछो भाई क्यों आ रहे हैं, उन्हें पार्टी का उनका काम कर रहे हैं। सर आपने अपने कार्यकाल में पानीपत से दाल रोटी योजना शुरू की थी और प्रत्येक घर में वो स्कीम पहुंची थी, लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है सर, आज वो दाल रोटी योजना? कोई जो जनहित की योजनाएं थी वो सारी सरकार ने बंद कर दी। जब ये फीस ही इतनी डबल कर दी, पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं, जो प्रथम काम होता है तो और तो क्या इनका। हम सर ग्राउंड पे जाते हैं तो वहाँ एक आवाज आती है कि फिर से मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस आए तो कुछ राहत मिल सकती है? कुछ राहत मिल सकती है? हमारे तो मैनिफेस्टो आएगा जो पहले था, अब लोग यही कहते हैं ना, अच्छे दिन आए के नारा दे के बन गए ये, लेकिन लोग ये कहते हैं भाई हमारे पुराने दिन ला दो, अच्छे दिन छोड़ दो, वही दिन ला दो। हमारे जी तुम्हारी शैलजा पानीपत में आई थी, उन्होंने कहा था कि 2019 में चुनावों को लेकर भूपेंद्र जी और मैंने इकट्ठे सभी 10 लोकसभा सीटों पर लगातार हमने कोशिश की, अब इस बार क्या कुछ इकट्ठे एक मंच पर दिखाई? इकट्ठे करेगी कांग्रेस, इकट्ठी है। खुद वो ये भी कहती है कांग्रेस में गुटबंदी है, सबको एक मंच पे आ जाना चाहिए, क्या मानते हैं आप भी? सब कांग्रेस इकट्ठी है, कोई गुटबंदी नहीं कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है सर हमने सबका साथ सबका विकास करवाया, और भूपेंद्र हुड्डा जब अब CM थे उन्होंने रोहतक के केवली के क्षेत्रवाद को बढ़ावा दिया, इस पर क्या कहना है? ये कहना है, मेरा कहना है आप शुरू हो जाओ पंचकुला से,
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी पंचकुला में लगी। देश का दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन जो कुरुक्षेत्र में बना। मेडिकल कॉलेज कल्पना मेडिकल कॉलेज करनाल में बना। और यहाँ पे जो इंडस्ट्री का बढ़ावा हुआ पानीपत में, सोनीपत में यूनिवर्सिटी बनी छोटू राम के नाम से, और आपका महिला यूनिवर्सिटी बनी, और राजीव गांधी यूनिवर्सिटी समझे वहाँ बनी। फिर मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में बना, जो YMCA थी उसकी यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में बनी। देश की पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी की शुरुआत गुड़गांव में करी। इंदिरा गांधी के नाम से यूनिवर्सिटी रिवाड़ी में बनी, सैनिक स्कूल रिवाड़ी में बना, और क्या नाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ में बनी। जज्जर में एम्स आया, रोहतक में IIM आया, हिसार में लाला लाजपत राय के नाम से एनिमल साइंसेस की यूनिवर्सिटी बनाई, सिरसा में जो छोटी सी यूनिवर्सिटी थी चौधरी देवीलाल के नाम से उसको राष्ट्रीय स्तर का यूनिवर्सिटी बनाई, भिवानी में चौधरी बंसीलाल के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई, जींद में चौधरी रणबीर सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई। ये कहाँ के हैं भाई, ये हरियाणा से बाहर हैं सारे। और थर्मल पावर प्लांट यमुनानगर में एक लगाया, एक हिसार में लगाया, दो झज्जर में लगाया। आ इन्होंने एक यूनिट बिजली पैदा करी हो तो बता दो, एक इंच मेट्रो बढ़ आई हो तो वो बढ़ा दो, जो बल्कि यहाँ से जो फास्ट रेलवे का बनना था पानीपत से जो हमने मंजूर किया वो भी ठप कर दिया, वो भी स्टेट ने नहीं दिया, वो भी खत्म। ये तो नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है, इनके पास कुछ नहीं है। पन्ना प्रमुख तक पहुंचे, अब तो घर घर पहुंच गए भाई, हाथ से हाथ जोड़ो, अब घर 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 पहुंच गए। वो तो अभी पन्ना प्रमुख पे बैठे हैं, हम तो हर घर में पहुंच गए। संगठन के ऊपर टिप्पणी करते हैं वो बार बार, मैं कहता हूँ हर घर में पहुंच गए पन्ना प्रमुख, दो तो परमा प्रमुख तक पहुंचे हैं, हम तो घर घर तक पहुंच गए। हाथ से हाथ जोड़ो, चल रहा है लगातार कार्यक्रम। हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है, और ये कब गठबंधन टूट जाएगा ये तो कभी भी किसी समय, अभी आप देख रहे हो। और भारतीय जनता पार्टी ने तो जिसको पहले NLO को खत्म किया, JJP खत्म करेगी, वो उधर अकाली खत्म किए, जिससे इनका रहेगा उसी पार्टी को खा जाएगी। और इनकी पूरी जो ना कच्चा चिट्ठा जो दुष्यंत चौटाला का, इनका सारा वो पूरी फाइल तैयार हुई पड़ी है। ये इनकी हिम्मत ही नहीं कि इससे सपोर्ट वापस ले लें। दुष्यंत चौटाला की मजबूरी है, सारे जो चाहे वो घोटाला खान घोटाले हों, रजिस्ट्री घोटाले हुए हों, शराब घोटाले हों, सारे ही तो उसके महकमे में हुए हैं, सारे उसी की सरपरस्ती में। तो इनकी तो पूरी, आज का MLA राम अवतार फिल्म देखी है ना, तो उसमें वो इनकी फाइल रखी हुई है। तो इनकी हिम्मत नहीं उनके सामने बोलने की, और इसलिए ये सिर्फ बयानबाजी तक की और वो सीमित है, और ये सपोर्ट अपने विड्रो कर नहीं सकते, नहीं एक भी दिन सत्ता नहीं छोड़ सकते। यानी कि गठबंधन टूटने के बाद दुष्यंत चौटाला पर कार्रवाई करवा सकते हैं वो, तो BJP करेगी, इनको बख्शेगी थोड़े ही, जो ना BJP के पास तो पता है वो, तो ये इनकी हिम्मत नहीं है, पहले तो वापस ही नहीं लेंगे, सपोर्ट ही वापस नहीं लेंगे, क्योंकि इनका तो पूरा वहाँ पर फाइल तैयार हुई पड़ी है, मजबूरी है, ये सपोर्ट वापस नहीं लेंगे। आपने अध्यक्ष बनते ही कहा था कि कांग्रेस आ रही है, BJP जा रही है, अभी वक्त काफी हो चुका है, अब किस तरह की पोजीशन देख रहे हैं आप? अब आप देखने रहे कि कितना कितना जबरदस्त आप पानीपत में ऐतिहासिक रैली हुई राहुल जी की, और हमारा जो ये विपक्ष आपके समक्ष फरीदाबाद में हुआ, फतेहाबाद में हुआ, यमुनानगर में हुआ, अभी सोनीपत में डॉक्टर अम्बेडकर जयंती मनाई, कबीर जयंती रोहतक में मनाई, कितना जबरदस्त रिस्पांस था। सुबह 6 बजे 1 डिग्री टेम्परेचर में राजस्थान के बॉर्डर पर मेवात में रैली करके दिखाई, जिस तरह से लोग बाहर निकल के लाखों लाखों आदमी उमड़ करके आए, आपके यहीं से दोबारा जो दूसरा वो राउंड चला था पानीपत से ही चला था, आपने देखा कि पूरा हरियाणा में क्या माहौल था, लोग एकदम तैयार बैठे हैं इस सरकार को, ये सिंगल डिजिट में सिमटेगी BJP। BJP ये कह रही है कि राहुल गांधी विदेशों में देश का अपमान कर रहे हैं,
इनके पास कहने को कुछ नहीं, अपमान करने वाले तो खुद है प्रधानमंत्री जी। उन्होंने कहा कि हमारा बड़ा हमें अफसोस है कि हम ऐसे देश में पैदा हुए हिंदुस्तान में। अगर देश का अपमान किया है तो देश के प्रधानमंत्री ने किया विदेशों में जाकर के। राहुल गांधी ने तो जो समस्या थी, राहुल गांधी ने कोई देश के खिलाफ कोई नहीं बोला, लेकिन बीजेपी की नीतियों के खिलाफ रखा है। वो यहाँ भी बोलते हैं, वहाँ भी बोलते हैं। आज तो वो सारा यहाँ पर जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये भी कहीं भी देखी जा सकती है। तो ये नहीं है कि जो राहुल जी ने जो यहाँ पहले भी बोलते रहे, सारे जो इनके वो बेनकाब करने का जो काम किया राहुल जी ने, इनके जो भ्रष्टाचार को बेनकाब किया, जिस इनके जो संबंध थे अदानी जी से, उनको जो हर लोगों के उसमें लेकर गए चर्चा के बीच में, जो देश की जो अर्थव्यवस्था को जो बिगाड़ने का काम चल रहा था उसको ही लेकर के आए। महंगाई हो चाहे बेरोजगारी हो, चाहे सांप्रदायिक और जो जातिवाद का जिस तरह से ये नफरत का जो बाजार खोल रखा उसको लेकर के आए। आज अर्थव्यवस्था देश की कहाँ जा रही है उसको लेकर के आए। किस तरह से जो पब्लिक सेक्टर जो कांग्रेस पार्टी ने और 67 साल में जो बनाए उनको एक एक करके बेचा जा रहा है। जो नरेंद्र मोदी कहते थे कि भाई सौगंध मुझे इस धरती के मैं देश नहीं बिकने दूंगा, जल थल नभ सारे बिका हुए हैं। आज कहाँ किस चीज़ को, चाहे हवाई जहाज बेचे जा रहे हैं, हवाई अड्डे बेचे जा रहे हैं, बंदरगाह बेचे जा रहे हैं, ट्रेनर और वो सारी चीज़ उसका सौदा हो रहा है, जो पब्लिक सेक्टर की सारी चीज़ का। किसका जी अब ये इनका क्या नेहरू जी का नाम बदलने से नेहरू का कद कम हो जाएगा? ये तो इनका आज उन्हें शर्म आनी चाहिए, इस तरह की हरकतें करते हैं नाम बदलने से। कभी कोई रेलवे स्टेशन का नाम बदलेंगे, कभी शहर का नाम बदलेंगे, कभी किसी सड़क का नाम बदलेंगे। नेहरू मेमोरियल जिसमें जो वो प्रधानमंत्री बनने के बाद 1964 तक लगातार रहे, उनके नाम से जो वो वहाँ पर रखा गया, ये अपने बात को क्या करें। जो जो इन्होंने तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टेडियम था वहाँ पर अहमदाबाद में, उसको भी बदल करके नरेंद्र मोदी का नाम कर दिया। अच्छा, सारे प्रोग्राम आइए तुम, धन्यवाद, सबको पहचानता हूँ मैं, और प्रोग्राम मिल जाएगा वहाँ।